स्टोरी स्टार्ट होता है जहाँ एक लड़का हमारी फीमेल लीड योंडू से उसका फोन नंबर मांगता है, पर वो नहीं देती है। और फोन पर अपने बॉयफ्रेंड यानी हमारा मेल लीड यूनहो से कहती है, तुम्हें आने में कितना देर और लगेगा, एक लड़का तो मेरा नंबर भी मांग रहा था। और हम देखते हैं अगले ही पल यूनहो बड़ा ही हड़बड़ी में आकर पूछता है, कहाँ है वो लड़का। योंडू कहती है, अरे तुमने फिर से अपना हेयर कलर करवा लिया। तो यूनहो कहता है, वो लड़का कहाँ है पहले ये बताओ। तो वह कहती है, डोंट वरी, उसने नंबर मांगा था पर मैंने दिया नहीं। तब यूनहो के जान में जान आता है। योंडू कहती है, तुमने हेयर डाई क्यों करवाए। तो वह कहता है, मैंने सुना है रिलेशनशिप में रहने पर हमेशा न्यू चीज ट्राई करना चाहिए ताकि एक दूसरे पर इंटरेस्ट बना रहे, और वैसे भी कल से नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तभी योंडू देखती है सामने से जूहो और सियोल आ रहे हैं। वो यूनहो को अपने तरफ पुल करती है। तो यूनहो कहता है, हेयर कलर करवाने का असर दिख रहा है, तुम पब्लिक प्लेस में भी शुरू हो जाना चाहती हो। तब वो कहती है, चुप रहो और उधर देखो। वे दोनों कहते हैं कि वे दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, पर लगता है वे हमसे ये बात छुपा रहे हैं। वहीं इधर जूहो का नजर एक लड़की पर जाता है। तो वो सियोल कहती है, क्यों ये तुम्हारे टाइप की है क्या, जाओ नंबर ले लो उसका। तो वो उसके पीछे चला भी जाता है। सियोल सोचती है, वाह हद है, और गुस्सा से रिटर्न जाने लगती है। तब तक जूहो आकर उसे रोकता है। तो वह कहती है, आने का क्या जरूरत था, उसके साथ लंच कर लेते। तब जूहो उसे एक मफलर पहनाते हुए कहता है, मैं तो बस ये पूछने गया था कि उसने ये मफलर कहाँ से लिया था। सियोल कहती है, ये तुम पहले क्यों नहीं बताया। तो वह कहता है, तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही कहाँ देती हो। तो वो सॉरी कहती है। इधर यूनहो योंडू से कहता है, आई थिंक अगर वे दोनों हमसे बताना नहीं चाहते तो हमें भी कुछ नहीं जानने का प्रिटेंड करना चाहिए। योंडू भी उससे एग्री करती है और कहती है, वैसे जूहो विदाउट ग्लास कितना हैंडसम लगता है। ये सुनकर यूनहो जेलस से भर उठता है। नेक्स्ट दिन उनका न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है और यहाँ योंडू और यूनहो को डिफरेंट क्लास मिलता है, इसलिए यूनहो अपना क्लास जाने ही नहीं खोजता है। तब योंडू उसे एक हार्ट से पत्ता देती है और कहती है, अब तुम्हें जाना चाहिए। फिर वो जाने लगता है जहाँ वो एक लड़की से टकराता है और उसका हार्ट से पत्ता गिर जाता है। वो लड़की उसे रोते हुए सॉरी कहकर चली जाती है। वहीं इधर योंडू क्लास घुसते हुए एक लड़का से टकराती है जिसका नाम सियोंग होता है। नेक्स्ट दिन उसकी दोस्त यूना उसे बताती है कि मैंने सुना है ये न्यू लड़का बहुत अच्छा बेसबॉल प्लेयर है, टैलेंटेड है, पर काफी खड़ूस भी है, कुछ बोलो तो भी रिप्लाई नहीं देता है। तब उसके क्लास टीचर आते हैं और योंडू से कहते हैं, क्लास ओवर होने के बाद मुझसे मिलना। जब वो जाती है तो टीचर कहता है, क्या इस साल भी तुम बुक क्लब की प्रेसिडेंट रहने वाली हो। तो वो हाँ कहती है। टीचर कहता है, क्या तुम सियोंग नाम के लड़के से मिली, वो मेरे पास आया था, मैं चाहता हूँ तुम रीडिंग सर्विस आवर में उसका हेल्प लो। योंडू कहती है, ठीक है। फिर वो सियोंग के पास जाती है और कहती है, हाय मैं बुक क्लब की प्रेसिडेंट हूँ, तो तुम मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को लाइब्रेरी आ सकते हो। वह कहता है, ठीक है। योंडू शॉक्ड होती है कि तुम आंसर भी देते हो। फिर वो पूछती है, वैसे तुम अपना सोशल सर्विस क्रेडिट फुलफिल करना क्यों चाहते हो, क्योंकि एथलीट को इन्हें फुलफिल करना कंपलसरी नहीं रहता है। तो वो कहता है, रूल सबके लिए इक्वल होने चाहिए, क्या तुम्हें और कुछ पूछना है। तो वो कहती है, नहीं। वहीं इधर यूनहो सोचता है, वो लड़की टकराती नहीं तो मेरा हार्ट टूटता नहीं, पर वो रो क्यों रही थी। तभी वो देखता है जूहो और सियोल मजे में पूरा सेल्फी खिंचाए जा रहे हैं। सियोल के जाने के बाद यूनहो जूहो के पास जाता है और कहता है, और बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों में, चेहरे पर तो बड़ा सा स्माइल है, मैंने कल तुम दोनों को साथ में देखा था। तो जूहो कहता है, अरे सच में हम लोग एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। यूनहो कहते हुए चला जाता है, ठीक है फिर मत बताओ। दूसरी तरफ योंडू कुछ बुक्स लिए क्लासरूम घुसती है तो उससे सारा बुक्स गिर जाता है। तब एक लड़की आकर उसका हेल्प करती है और बातों बातों में योंडू से फ्रेंडशिप कर लेती है और बताती है उसका नाम आरा है। वहीं इधर यूनहो जीसोंग से पूछता है, क्या जूहो ने तुम्हें बताया कि वो और सियोल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो जीसोंग कहता है, नहीं तो। यूनहो कहता है, तुम तो रहने दो, अपना लॉलीपॉप खत्म करो, पता नहीं कब मैच्योर हो गए। जीसोंग कहता है, अगर मैं मैच्योर हो गया तो कंधे पर काफी बर्डन आ जाएगा। और फिर दोनों जाने लगते हैं। तब सियोंग आकर कहता है, क्या तुम लोगों को ये सिखाना पड़ेगा कि खाने के बाद जगह को साफ भी रखना होता है। यूनहो आराम से ही कहता है कि मैं फेंकने भूल गया था, लेकिन सियोंग उसे लेक्चर देने लगता है तो यूनहो का पारा गर्म हो जाता है। तब जीसोंग यूनहो को एकदम सीरियस होकर रोकता है और फिर सियोंग से कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी खिंचा सकता हूँ। नेक्स्ट दिन योंडू लंच करने जा रही होती है, वो आरा से कहती है, तुम भी चलो। आरा मना करती है तो योंडू कहती है, तुम चाहो तो हमारे साथ लंच कर सकती हो।
नेक्स्ट दिन आरा योंडू और यूना के साथ लंच में उन सभी के साथ शामिल होती है। सियोल कहती है ये कौन है, तो योंडू बताती है ये हमारी क्लासमेट है। और यहाँ हमें पता चलता है सीढ़ी पर यूनो से टकराने वाली लड़की आरा ही थी। जूहो बड़े सलीके से सबका इंट्रोड्यूस उसे करवाता है। जिसोंग तो काफी एक्साइटेड होता है। यूनहो योंडू से कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही थी, तो वह कहती है ना तो आई थिंक मुझे अब पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर है। यूनो कहता है अच्छा तो फिर ये आइडिया कैसा रहेगा कि अभी हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, फिर कॉलेज जाएंगे तब पैचअप कर लेंगे। योंडू कहती है हाँ ये सही है, तो वो कहता है क्या सही है, मजाक था ये। सब हंसते हैं। तब सियोंग भी उनके पास आकर लंच करने लग जाता है, जिससे यूनो को काफी चीड़ होने लगता है। यूना बताती है कि ये भी हमारा क्लासमेट है। इसके बाद उसका खाना हो जाता है और वो योंडू से कहता है चलो हो गया तुम्हारा, और योंडू भी जाने लगती है। यूनो कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तो वह कहती है लाइब्रेरी सर्विस आवर। ये सुनकर ह्यून हो सियोंग से और भी चिढ़ता है। नेक्स्ट सीन एक टीचर बॉयज वॉशरूम आती है और कहती है मुझे पता है कोई वॉशरूम में सिगरेट पी रहा है, और ये मत सोचो कि ये मेंस वॉशरूम है तो मैं अंदर नहीं आ सकती। और वह चेक करने लगती है पर अंदर कोई नहीं होता है, तब वो चली जाती है। और फिर हम देखते हैं अंदर से एक लड़का बड़े ही स्टाइल के साथ निकलता है। नेक्स्ट सीन यूना योंडू से कहती है मैं डेली नोटिस करती हूँ कि सिचिन बस स्टैंड में खड़ा रहता है पर कभी बस नहीं चढ़ता। तो योंडू कहती है हो सकता है वो तुम्हें पसंद करता हो और तुम्हें देखने के लिए वहाँ आता हो। यूना कहती है ऐसा खतरनाक बात मत बोलो प्लीज। और तभी योंडू देखती है यूनो दरवाजा पर खड़ा हो सियोंग को घूरे जा रहा है। योंडू कहती है मुझे देखने आए हो या किसी और को, तब यूनो कहता है क्या वो तुमसे बहुत अधिक बात करता है, क्या उसने तुम्हारा नंबर मांगा, तो योंडू कहती है ना तो वो कभी बात करता है और ना ही उसने नंबर मांगा है। वैसे तुम हर ब्रेक में मुझसे मिलने आते हो, इरिटेट नहीं होते हो क्या, तो वो कहता है तुमसे दूर वैसे भी मैं दूसरे क्लास में इरिटेट ही होता हूँ। योंडू कहती है तुम इतने गुस्सा क्यों हो पहले ये बताओ, तो वो कहता है क्योंकि मुझे उसे जेलस फील हो रहा है। मैं तुमसे ब्रेक टाइम केवल 10 मिनट ही मिल पाता हूँ और वो दिन भर तुम्हारे ही क्लास में रहता है। योंडू कहती है तो ये बात है। यूनो कहता है तुम्हें जेलसी नहीं होगा अगर मैं दूसरी लड़कियों के साथ रहूं उनसे बात करूं तो, योंडू कहती है नहीं क्योंकि मैं जानती हूं तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, तो डोंट वरी ज्यादा टेंशन मत लो। और वैसे भी सियोंग बस मेरा हेल्प कर रहा है क्योंकि टीचर ने उसको ऐसा करने को कहा है। यूनो कहता है सॉरी पर उसे क्लोज मत होना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे क्लास तक छोड़ देता हूं। योंडू कहती है ठीक है ठीक है। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट जूहो को एज अ क्लास प्रेसिडेंट जैसा ही ट्रीट करते हैं। तब सियोल आकर कहती है अभी तक तो तुम क्लास प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट भी नहीं हुए हो, वैसे इस बार भी बनना है क्या, तो वह कहता है हाँ। तब सियोल कहती है क्लास प्रेसिडेंट बनना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वह कहता है हाँ क्योंकि इससे मैं जो चाहता हूँ वो पूरा हो सकता है, तो वह कहती है टैटूइस्ट। जूहो कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। नेक्स्ट सीन यूनो चुपके से स्टाफ रूम घुसता है और एक मैगजीन पढ़ता है कि गर्लफ्रेंड को दोबारा प्यार में कैसे गिराए, जहाँ उसे आइडिया मिलता है गिफ्ट देकर। तभी वहाँ आरा आ जाती है और वो चला जाता है और आरा देख लेती है कि वो क्या पढ़ रहा था। वहीं उधर योंडू सियोंग से पूछती है क्या तुम आज स्कूल के बाद फ्री हो, तो मैं तुम्हें बुक सेपरेट करना सिखाऊंगी क्योंकि कल मैं फ्री नहीं हूँ, तो वो बड़ा ही कोल्ड सा आंसर देता है ठीक है। दूसरी तरफ ह्यूनहो बेचारा परेशान रहता है कि क्या गिफ्ट देने से उसको पसंद आएगा। वो जीसोंग से हेल्प लेता है पर उसका लॉजिक तो अलग ही रहता है। यूनो पूछता है वॉलेट देने से कैसा रहेगा, जीसोंग कहता है इसमें कोई सेंस बनता है कि पैसा रखने के लिए पैसा खर्चा करो। फिर यूनो कहता है हैंड वॉच, जीसोंग कहता है आजकल घड़ी में टाइम कौन देखता है, सबके पास मोबाइल रहता है। यूनो कहता है तो फिर फ्लावर्स, जीसोंग कहता है सूखने के बाद तो वे बेकार ही दिखते हैं। यूनो कहता है स्नैक्स, जीसोंग कहता है ये कोई गिफ्ट हुआ, बेचारा यूनो बड़ा ही इरिटेट होता है। तब आरा मैसेज करती है तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने में हेल्प कर सकती हूँ। स्टार्टिंग वो मना करता है पर तभी योंडू का मैसेज आता है कि तुम घर चले जाना, सियोंग के साथ लाइब्रेरी में मेरा काम है। वो सोचता है फिर से सियोंग, और तब गुस्सा से वो आरा को हाँ कह देता है। दूसरी तरफ योंडू और सियोंग लाइब्रेरी में वर्क कर रहे होते हैं। तब योंडू उसे एक प्लेस लाती है और कहती है यहाँ केवल पुरानी किताबें हैं इसलिए यहाँ कोई नहीं आता, तुम्हें जब भी अकेला या बुरा फील हो यहाँ आकर रिलैक्स कर सकते हो। वहीं आरा गिफ्ट खरीदने में योंडू का हेल्प करती है। इसी बीच ह्यूनो को एक कैप पसंद आता है और आरा एक ग्रीन कलर का नेल पेंट ह्यूनो के नेल पर ट्राई करते हुए कहती है गर्लफ्रेंड तुम्हारी है तो ट्राई भी तुम्ही को करना होगा। फिर दोनों शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं। ह्यूनो कहता है 7 दिनों तक रिफंड हो सकता है ना,
तो वह कहती है, मुझे नहीं लगता वो रिफंड करने को कहेगी, उसे पसंद आ जाएगा। तो वह कहता है, पता नहीं, उसके बारे कहना मुश्किल है। आरा कहती है, तुम उसे काफ़ी प्यार करते हो, है ना? वो कहता है, हाँ। फिर वो कहती है, मैं जिसोंग को लाइक करती हूँ, क्योंकि गिफ्ट खरीदने में मैंने तुम्हारा हेल्प करा, तो उससे क्लोज होने में तुम मेरा हेल्प करो। यूनो भी उसे जिसोंग के बारे बताता है और कहता है, तुम अगर अपने फीलिंग्स उसे बताओगी तो वो तुरंत तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। फिर यूनो चला जाता है और आरा सोचती है, ये तो बड़ा इजी था, बिल्कुल मजा नहीं आया। यानी यहाँ ऐसा लगता है जैसे आरा का इंटेंशन कुछ और ही है। इसके बाद सियोल क्लासरूम साफ करती है तो जूहो आकर कहता है, ऐसे तो तुम कभी रूम साफ नहीं करती, फिर आज क्यों? तो वो कहती है, बस ऐसे ही, और फिर आज तुम्हारा इलेक्शन भी तो है। जूहो कहता है, हाँ थोड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि क्लास प्रेसिडेंट बनना वाकई काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। नेक्स्ट दिन क्लास में एक लेटर योंडो तक पार्सल किया जाता है। यूना कहती है, तुम जो प्लान कर रही हो वो यूनो को पता है ना? तो योंडो कहती है, नहीं उसे बताना भी मत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आफ्टर ऑल ये मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ फर्स्ट 200 डेज एनिवर्सरी है। और ये सब सियोंग सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की सियोल से कहती है, इस वीक तुमने क्लासरूम साफ किया है ना, क्या तुमने मेरा ड्रॉवर भी साफ किया था? उसमें मेरे ढेर सारे फोटोज थे, तुम्हें नहीं पता मैं उसके कितनी बड़ी फैन हूँ, क्या तुमने सारे फोटो फेंक दिए या अपने पास रख ली हो? सियोल उसे झाड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारे जैसे पागल फैन नहीं हूँ। और वो जूहो को वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में सियोंग और योंडू को दिखाया जाता है। योंडू सियोंग से कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, पार्टी के लिए केक लाना है। तो सियोंग बड़ा ही कोल्ड तरीके से कहता है, ठीक है। कुछ देर बाद वो देखता है कि उसने अपना वॉलेट भूल रखा है। और इधर योंडू भी केक खरीद लेने के बाद देखती है कि पर्स है ही नहीं। तब सियोंग आकर बिल पे कर देता है। योंडू उसे थैंक यू कहती है। तो वो उसका वॉलेट देते हुए कहता है, वो तुम्हारा ही पैसा था, वैसे ये पार्टी तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वह कहती है, ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वह कहता है, लगता है तुम उसे काफ़ी पसंद करती हो। तो वह कहती है, तुम्हें भी उसे पसंद करना चाहिए, अच्छा लगेगा अगर पार्टी में तुम भी शामिल होगे। नेक्स्ट दिन स्कूल में एंट्री करते वक्त गार्ड्स उनके बाहर जाने का परमिशन कार्ड दिखाने को कहता है, जो कि योंडू के पास तो था नहीं। पर सियोंग गार्ड को परमिशन कार्ड दिखा देता है। योंडू कहती है, वाव तुमने परमिशन कार्ड भी बनाया था। वह सियोंग से काफी इम्प्रेस होती है। वहीं इधर क्लास प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट एक दूसरा लड़का बन जाता है और वाइस प्रेसिडेंट जूहो बनता है, जो कि जूहो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके फ्रेंड्स उसे कंफर्ट फील कराते हैं। वहीं सियोल उस लड़की से कहती है, तुम लोगों ने जानबूझकर मेरे वजह से जूहो को वोट नहीं दिया ना? तो वह कहती है, ना हमने वोट नहीं दिया क्योंकि वो झूठ कहता है, वो झूठ बोलता है कि तुम अच्छी हो पर तुम अच्छी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारा एटीट्यूड टॉलरेट नहीं कर सकती। और इधर यूनहो जूहो को कंफर्ट फील कराता है कि कोई बात नहीं, 3 साल में 1 साल अगर वाइस प्रेसिडेंट बन भी गए तो मुझे पता है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुमने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है कि 3 साल क्लास प्रेसिडेंट और स्कूल में हाईएस्ट स्कोर लाओगे, तो तुम जो करना चाहते हो वो तुम्हें करने देंगे। जूहो मुस्कुराता है और उसे कम्फर्ट फील कराने के लिए थैंक यू कहता है। दूसरी तरफ पार्टी का तैयारी चलता है और जब यहाँ यूनहो आता है तो सियोंग उसे देखकर शॉक्ड होता है। वो जिसोंग से पूछता है, ये यहाँ क्यों है, ये तो सरप्राइज पार्टी है ना? तो जिसोंग कहता है, हाँ सरप्राइज पार्टी ही है। तभी एक स्टूडेंट सबको अलर्ट करती है कि वो आ रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि ये पार्टी तो सिक्योरिटी गार्ड के फेयरवेल के लिए होता है। सियोंग ये सब देखकर काफी शॉक्ड रहता है, क्योंकि उसे लगा था ये सरप्राइज पार्टी तो योंडू योनहो को देने वाली है और अब उसके चेहरे पर स्माइल होता है। इधर योंडू योनहो के नेल पर नेल पेंट देखती है और कहती है, तुमने नेल पेंट क्यों लगाया है? तो वो कहता है, नहीं वो मेरी सिस्टर ने लगा दिया है। योंडू कहती है, वैसे काफी सुंदर कलर है। तब योनहो खुश होते हुए उसे वो गिफ्ट्स देता है। योंडू भी खुशी से उसे हक करती है। पर इसी बीच वह देखती है सेम कलर का नेल पेंट आरा भी लगाई होती है। दूसरी तरफ वही वॉशरूम वाला लड़का को दिखाया जाता है जो यहाँ एक शॉप पर सिगरेट खरीदता है। दुकानदार उससे आईडी कार्ड मांगता है पर तभी सियोंग आकर कहता है, लगता है इस आई कार्ड को बनाने में तुमने काफी मेहनत किया है, अगर तुम्हारा 20 साल हो गया है तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए क्यों हो? तो वो कहता है, मैंने अपना भाई का पहना है, तुमसे मतलब? अगले दिन योंडू स्कूल के लिए लेट होती है। वह जब लिफ्ट ओपन करती है तो यहाँ वो वही लड़के को ड्रेस पहनते हुए पाती है। ये काफी ऑकवर्ड सिचुएशन रहता है, फिर भी वो लिफ्ट में एंटर करती है। वो लड़का देखता है कि उसका जूता का लेस ठीक से बंधा नहीं है, इसलिए वो बांध देता है। पर योंडू डर से उसे धक्का देती है और फिर यहाँ उन्हें पता चलता है कि दोनों सेम स्कूल में ही पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी वे स्कूल पहुंचते हैं तो वह लड़का कहता है, कितनी मतलबी हो, साथ नहीं आ सकती?
योंडो कहती है, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ। फिर वह कहता है, कैसे नहीं जानते हैं, तुम मैं ऊपर रहता हूँ, तुम नीचे रहती हो, हम लोग सेम स्कूल में पढ़ते हैं, इवन तुमने मेरा इतना अच्छा बॉडी भी देख लिया, और वैसे मेरा नाम आहून है। योंडो हंसते हुए कहती है, तुम बिल्कुल जिसोंग जैसे हो। और तभी जिसोंग और ह्यूनहो उनके पास आते हैं। ह्यूनहो पहले ही क्लियर कर देता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और वहीं जिसोंग और आहून के बीच नोकझोंक होने लगता है कि कौन किससे बेटर है। इधर योंडो ह्यूनहो से कहती है, तुम्हारी सिस्टर चली गई क्या, तुमने नेल पेंट हटा लिया, क्या नाम है तुम्हारे सिस्टर का, आरा। तुम झूठ क्यों बोलते हो, आरा ने मुझे बताया कि वो गिफ्ट्स खरीदने में तुम्हारा हेल्प की थी। ह्यूनहो सॉरी कहते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हें जेलस फील करवाना चाहता था, पर आई स्वेयर अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। योंडो कहती है, हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से झूठ बोलना चाहिए। तब जिसोंग उनके पास पहुंचता है और कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, पेंसिल पकड़ने के समय बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, और वहीं एक मैम भी उन्हें इस तरह देख लेती है। उधर आहून भी अपना फेक आईडी कार्ड सियोंग से मांगता है, जो उसने शॉप पर उससे छीन लिया था। सियोंग कहता है, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि इस आई कार्ड के थ्रू तुम सिगरेट या अल्कोहल नहीं खरीदोगे। तो वो उसके चेस्ट पर हाथ रख के प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। उसका नौटंकी देखकर सियोंग उसे आई कार्ड रिटर्न भी नहीं करता है और उल्टा एक लॉलीपॉप देकर चला जाता है। दूसरी तरफ जिसोंग ह्यूनहो से कहता है, चलो भी अब इसे क्या इसके टेबल पर बैठा रखोगे। ह्यूनहो कहता है, अरे तुम जाओ पहले, डिस्टर्ब मत करो। तब जिसोंग बड़बड़ाते हुए जाता है, एक बार मेरे सपनों की वांग इंगलिन मिल जाए, फिर इन सबको दुनिया का नंबर वन रोमांटिक पर्सन बन के दिखाऊंगा। और तभी वो आरा को देखता है और सोचता है, वाह मिल गई मेरी सपनों की वांग इंगलिन, यही तो है। फिर वो जिसोंग के साथ उसके क्लास आती है। तो सियोल ह्यूनहो से कहती है, ये लड़की हमारे क्लास में फिर से क्या कर रही है, मुझे इस पर डाउट होता है, दूर रहना इससे। ह्यूनहो कहता है, तुम्हें तो सब पर डाउट रहता है, पिछले साल भी योंडो के साथ तुमने ऐसा ही किया था। तो सियोल कहती है, वो दूसरा मैटर था, क्योंकि वो मेरे क्रश के साथ क्लोज हो रही थी। तब जुहो आकर पूछता है, कौन है तुम्हारा क्रश। ह्यूनहो कहता है, फ्लर्टिंग करना बंद करो तुम लोग और एक दूसरे को डेट करो, तुम लोग का नौटंकी मुझसे देखा नहीं जाता है। इधर आहून अपने आई कार्ड के लिए सियोंग को मैसेज पर मैसेज किया जाता है, जिसे वह काफी इरिटेट होता है। तो योंडो कहती है, क्या हुआ, अगर कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो। तब हम देखते हैं सियोंग जानबूझकर सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन मिटा देता है और योंडो को हेल्प के लिए पूछता है। पर तभी योना उसे ह्यूनहो के बारे पूछने लगती है। तब सियोंग कहता है, नहीं कुछ नहीं। वहीं इधर सियोल जुहो से कहती है, अगर तुम किसी को डेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तब जुहो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे हम दोनों का रिलेशनशिप पसंद है, जैसा हम लोग रहते हैं मुझे ये अच्छा लगता है। तब सियोल कहती है, मैं इतने दिन वेट करती रही कि तुम मुझे डेट के लिए प्रपोज करोगे, बट आज मैं ही तुम्हें डेट के लिए प्रपोज कर रही हूँ। और नेक्स्ट दिन हम देखते हैं सभी लंच कर रहे होते हैं, जहाँ ह्यूनहो अपना लंच नहीं लाता है तो योंडो उसे शेयर करती है, पर ह्यूनहो मना कर देता है कि इतना थोड़ा सा क्या होगा, वैसे भी भूख नहीं है मुझे। वहीं इधर जिसोंग और आहून का नोकझोंक चलता ही रहता है। उसी वक्त ह्यूनहो कहती है, मैं तो इस सिचुएशन से परेशान हो गई हूँ, दिन भर सिर्फ मैसेज ही करता रहता है। ह्यूनहो कहता है, देखो कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन बाद हमें उसे अपने बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करा रही हो। ह्यूनहो कहती है, बकवास बंद करो। फिर ह्यूनहो कहता है, वैसे जुहो कहाँ है। तो सियोल इरिटेट होकर कहती है, मुझे नहीं पता। तब जिसोंग सियोल का खाना चुराते हुए कहता है, कैसे नहीं पता, तुम तो उसी के साथ रहती हो। तो सियोल कहती है, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो, तुम्हारी मम्मी बना के नहीं देती है क्या। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। ह्यूनहो कहती है, क्या तुम लोग मम्मी के लिए लड़ रहे हो। तब ह्यूनहो कहता है, मैं सबके लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। और बाहर आकर सोचता है, मुझे सबसे जलन हो रहा है, सबकी माँ उन्हें टिफिन पैक करके देती है, मैं कितना भूखा हूँ। तब योंडो उसके पीछे आती है और उसे लाइब्रेरी ले जाती है। पहले वो कंफर्म हो लेती है कि कोई टीचर तो वहाँ नहीं है, फिर वो ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है। ह्यूनहो एकदम दबा के खाता है। तो वो कहती है, हाँ कोई कह रहा था भूख नहीं लग रहा है। तो वो कहता है, हाँ अचानक भी भूख लग गया। फिर वो कहता है, अगर तुम मेरे साथ पकड़ी गई तो टीचर जरूर तुम्हें डांटेंगे, क्योंकि ऐसे भी वे मुझे पसंद नहीं करते, उनके लिए तो मैं स्कूल का बैड बॉय हूँ। तो योंडो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर वे ऐसा सोचते भी हैं तो उन्हें एक दिन पता चल जाएगा कि तुम अच्छे हो। वैसे तुम्हारी स्टडी कैसा चल रहा है। तो वो कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे पढ़ना पसंद नहीं है और ना ही मेरा कोई ड्रीम है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसा चाहती हो। योंडो उसे देखते रह जाती है। वहीं इधर जिसोंग कहता है, अब से डेली म्यूजिक रूम में ही लंच करेंगे, मैं कल आरा को भी लेके आऊंगा। तो सियोल कहती है,
उसे लाने का जरूरत नहीं है। तभी इधर यूना सियोंग के इंस्ट्रूमेंट से टकरा कर गिरती है और उसके पैर में चोट लग जाता है। यूना सियोंग से बहुत गुस्साती है और जब नर्स कहती है कि तुम्हें एक हफ्ते इसी तरह बैंडेज लगा के रहना है तो वो उससे और ज़्यादा गुस्साती है। तब सियोंग बड़ा ही सेक्सी टाइप से उसे सॉरी कहता है और उसके क्यूटनेस को देखकर यूना का गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ योंडू को कुछ लड़कियों के लेटर्स मिलते हैं जो उन्होंने सियोंग के लिए छोड़ रखा होता है। पर यूनो जैसे ही उसका नाम सुनता है इरिटेट होकर कहता है, तुम उसका बात करना बंद करोगी? मुझे तो ये रोमांटिक मूवी से कम नहीं लगता है कि हीरोइन लाइब्रेरी में काम करती है, हीरो भी लाइब्रेरी में काम करता है, दोनों में आई इंटरेक्ट होता है, फिर दोनों का हार्टबीट तेज होता है, फिर रोमांटिक सीन स्टार्ट होता है। योंडू कहती है, अच्छा ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? तो वो कहता है नहीं, और उस पे तो बिल्कुल नहीं। फिर उसे किस करता है और कहता है, अब जब भी इस जगह से गुजरोगी तो मुझे याद करोगी। योंडू बाद में काफी शर्माती है। वहीं जब योनो बाहर निकलता है तो एक टीचर उसके पास आती है और स्कूल में खाना ऑर्डर करने पर उसे डांट रही होती है। फिर वो योंडू को भी डांटने लगती है कि तुम तो अच्छी स्टूडेंट हो पर इसके जैसे बदमाश के साथ रहकर तुम भी बिगड़ रही हो। फिर उसे अपने साथ ऑफिस आने को कहती है। दूसरी तरफ सियोंग यूना को क्लासरूम लाता है और कहता है, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बोलना क्योंकि मेरे वजह से तुम्हें चोट लगा है। वह कहती है, हाँ लेकिन गिल्ट फील करने का कोई जरूरत नहीं है, और उसके चेहरे पर स्माइल रहता है। पर सियोंग यहाँ योंडू को मिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन टीचर योंडू को समझाती है कि तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो उस लड़के के साथ मत रहो जो दूसरों को बुली करता है और खुद पढ़ने में अच्छा नहीं है। रहना है तो किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ रहो जिसका कोई फ्यूचर हो। योंडू कहती है, आप जैसा यूनो के बारे सोच रही है वो वैसा नहीं है, वो भी मेहनत करता है। और ये सब कन्वर्सेशन यूनो सुन लेता है। उसे तो काफी बुरा लगता है। अब वो अपने आप को बाकी सबसे कंपेयर करने लगता है कि सबका फ्यूचर है पर उसका कोई ड्रीम नहीं है। इसी बीच जिसोंग बताता है कि सियोंग का कोई बड़ा सा मैच टूर्नामेंट होने वाला है, उसका फ्यूचर तो एकदम ब्राइट है। ये सुनकर यूनो को और ज्यादा बुरा लगता है। जिसोंग को भी लग जाता है कि ये किसी मैटर से परेशान है और वो उसे कंफर्ट फील कराने जाने वाला रहता है, पर आरा उसे रोकते हुए अपने साथ उलझा के रखती है और उसके साथ ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे जिसोंग को भी लगने लगता है कि वो सच में उसके प्यार में पड़ रही है। इधर योना योंडू को बताती है कि अब वो सियोंग को लाइक करने लग गई है। ये सुनकर योंडू बड़ा शॉक्ड होती है, पर योना उससे हेल्प मांगती है कि उसके साथ सेटिंग कराने में मेरी हेल्प करो। वहीं इधर शियोल और जूहो अब अलग अलग रहने लगते हैं। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन जब सियोल जूहो को प्रपोज की तो जूहो ये कहते हुए प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है कि रिलेशनशिप में आने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है और वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। तो सियोल कहती है, ठीक है फिर अगर हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आ सकते तो हमें कपल की तरह रहकर फीलिंग्स को बढ़ाना भी नहीं चाहिए। स्टोरी प्रेजेंट में आता है और वो घर के लिए निकलती है। जूहो कहता है, हमारा घर सेम डायरेक्शन में है। फिर दोनों साथ जाने लगते हैं। जूहो कहता है, उस दिन तुमने चूज करने को कहा था बॉयफ्रेंड या फ्रेंड, और मैं तुम्हारा फ्रेंड बन के रहना चूज करा है, तो क्या तुम उसे मुझे इग्नोर करना बंद करोगी? वहीं इधर यूनो एक टीचर से हेल्प लेता है कि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करना होगा। टीचर कहता है, स्टडी करो। यूनो इरिटेट होता है कि स्टडी करना ही जरूरी क्यों है, कुछ और ऑप्शन क्यों नहीं है? लेकिन फिर सोचता है, ठीक है अगर स्टडी ही करना है तब स्टडी ही करूंगा, क्या दिक्कत है, सब तो कर ही लेते हैं, मैं भी कर लूंगा, तब योंडू मुझसे और ज्यादा प्यार करेगी। पर उसी टाइम वो दोनों को लाइब्रेरी में देखता है जहाँ दोनों बात कर रहे थे और सियोंग योंडू के बातों पर स्माइल कर रहा था। अब ना चाहते हुए भी यूनो को ये सब देखकर बुरा लगने लगता है। वहीं इधर योंडू तो यूना का हेल्प करने में लगी हुई थी। वह सियोंग से जांच पड़ताल कर रही थी कि क्या उसके कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, क्या उसे छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद है या नहीं, और इसी बीच वो इनडायरेक्टली कहता है, क्या तुम्हारे बाल छोटे हैं? नेक्स्ट सीन यूना सियोंग को कुछ स्नैक्स देते हुए उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन सियोंग नहीं लेता है। वो कहता है, इसमें मेरा ही गलती था। फिर भी वो जबरन दे देती है, इसलिए सियोंग भी चुपके से अपना वाला उसे दे देता है। इधर सियोल को कुछ लड़कियों से पता चलता है कि योंडू का अफेयर तो जिनसू के साथ है और वह योनो को धोखा दे रही है। जिनसू यानी वही लड़का जो हमेशा योंडू के पीछे पड़ा रहता था। इधर काफी स्टूडेंट इस र्यूमर के कारण योंडू को बुरा भला कर रहे थे, जबकि इधर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसका काम है। यूना कहती है, ये योनो भी कहाँ है, कम्फर्ट फील कराने के लिए यहाँ उसे होना चाहिए। और यहाँ सियोल हमेशा की तरह आरा पर डाउट करती है। वहीं ह्यूनहो की टीचर उसे अच्छे कॉलेज के लिए रिकमेंड नहीं करती है,
क्योंकि उसे लगता है कि ह्यूनहो जहाँ भी जाएगा अपने बदमाशी के कारण दूसरों को ट्रॉबल में डालेगा, और जब ये पता चलेगा कि इस टाइप के स्टूडेंट को किस टीचर ने रिकमेंड किया था तो उसका रेपुटेशन गिर सकता है, और इसलिए वो ह्यूनहो के बदले किसी और स्टूडेंट का रिकमेंडेशन करती है। ह्यूनहो यहाँ कहता है, क्या यह गलत नहीं है कि पहले ही डिसाइड किया जा चुका हो कि सामने वाला गलत करेगा ही? लेकिन टीचर तो उल्टा कहती है, तुम्हारी वजह से ह्यूनहो पर गलत इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, उससे दूर रहो। जब वो ह्यूनहो के क्लास आता है तो ह्यूना बताती है ये पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, आज के क्विज कंपटीशन में भी इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। ह्यूनहो को लगता है ये सब उसकी वजह से हो रहा है, पर वो तो उदास थी उसके और जिनसू के अफवाह की वजह से, क्योंकि बाकी स्टूडेंट पीठ पीछे उसके बारे उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। नेक्स्ट दिन स्कूल के बाद सभी ह्यूनहो को कम्फर्ट फील कराते हैं। ह्यूनहो पूछती है ह्यूनहो नहीं आएगा, तो जिसोंग कहता है नहीं उसे कुछ काम है। सब उसे कम्फर्ट फील कराते हैं, फिर कैफे ऑनर उनका फोटो खींचती है। यहाँ सियोंग और ह्यूनहो को साथ साथ देखकर ह्यूना को अच्छा फील नहीं होता है, और यहाँ फोटो पिन करते समय उसे ह्यूनहो और जिनसू का एक फोटो मिलता है जिसे वो रख लेती है। फिर सब घर जाने वाले होते हैं। जब जिसोंग सियोंग से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो कहता है ह्यूनहो के घर के तरफ। तो जिसोंग कहता है ठीक है फिर तुम लोग दोनों साथ जाओ, पर ये ह्यूना को अच्छा नहीं लगता है। और इधर जब दोनों साथ साथ आते हैं तो रास्ते में उन्हें आहून मिल जाता है, और आहून सियोंग को देखकर कहता है अरे तुम इधर, तुम्हारा घर तो उधर साइड है। अब उसका सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होता है कि सियोंग उसका मुंह बंद करता है। नेक्स्ट दिन ह्यूनहो ह्यूनहो को कॉल पे कॉल करती है, बट ह्यूनहो रिसीव भी नहीं करता। अगले सीन जूहो और जिसोंग ह्यूनहो के घर आते हैं, जहाँ ह्यूनहो मेडिटेशन कर रहा होता है ताकि ह्यूनहो का ख्याल ना आए, पर वे दोनों आकर उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। जूहो पूछता है उससे दूर दूर क्यों रहते हो आजकल, ब्रेकअप करने का इरादा है क्या? ह्यूनहो कहता है नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि मेरे वजह से उसके ग्रेड्स कम ना हो, मेरे वजह से ही इस बार उसके टेस्ट में रिजल्ट खराब हुआ है। तो जिसोंग बताता है कि तुम्हारे वजह से नहीं बल्कि उस जिनसू के र्यूमर के वजह से। फिर जिसोंग उसे सारा मैटर बताता है। अब ये तो ह्यूनहो को पता ही नहीं था, इसलिए उसे गिल्ट फील होने लगता है कि ऐसे सिचुएशन में वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने छोड़ के उसे दूर था। वो कहता है मैं कितना गधा हूँ, उसका कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा था, मैं तो बस चाह रहा था कि वो बात करने के बजाय स्टडी करे। जो एडवाइस देता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग का 200 डेज एनिवर्सरी में उसको एक्सप्लेन करना और सॉरी कहना। उनके जाने के बाद उसके पास ह्यूनहो आती है। अपने यहाँ उसे देखकर वो बड़ा ही शॉक्ड होता है, पर फिर भी वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे टीचर कहा करती है कि मेरा और उस तुम्हारा कोई मैच नहीं है, और मुझे भी लगा कि मेरे वजह से तुम्हारे ग्रेड्स कम हो रहे हैं। ह्यूनहो कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है। तो वो कहता है हाँ जानता हूँ, पता चला अभी, लेकिन फिर भी सॉरी। फिर ह्यूनहो कुछ गिफ्ट्स देखती है जो कल ही उन्होंने उसे देने वाला था। ह्यूनहो खुश होती है, तब वो उसे एक और गिफ्ट देता है जो उसने खुद तैयार किया था, एक परफ्यूम। ह्यूनहो उसे खुशी से हग करती है। इधर ह्यूना सियोंग से मिलती है और पूछती है क्या तुम ह्यूनहो को लाइक करते हो? तो वो कहता है नहीं और चला जाता है। वहीं इधर ह्यूनहो ह्यूनहो के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। अब दोनों खुश थे क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग था उन्होंने बातचीत करके सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट डे ह्यूनहो अपना हैंड ग्लव्स में परफ्यूम लगाकर ह्यूना को स्मेल कराती है और बताती है कि ह्यूनहो ने उसे ये परफ्यूम दिया है, पर ह्यूना का यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और वो हर बार नोटिस करती है कि सियोंग ह्यूनहो से हमेशा क्लोज होते रहता है, और ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं इधर ह्यूनहो आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा होता है। तब जूहो और जिसोंग उसे काफी टीज करते हैं क्योंकि आज उसका और ह्यूनहो का 200 डेज एनिवर्सरी जो था। फिर वो ह्यूनहो के पास जाता है ये सोचते हुए कि पहले वे रेस्ट हो जाएंगे, फिर कुछ खाएंगे, फिर मूवी देखने जाएंगे। और तभी वो सियोंग के हाथों में ह्यूनहो का हैंड ग्लव्स देख लेता है। ह्यूनहो उसे जोर से एक पंच मारता है, और ह्यूनहो पहुंचकर सियोंग को उठाते हुए ह्यूनहो से पूछती है तुमने इसे क्यों मारा? ह्यूनहो कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साइड होना चाहिए, और वह कहते हुए चला जाता है कि ख्याल रखो अपने सियोंग का। और ह्यूनहो भी उसे मेडिकल रूम ले जाती है। ये सब ह्यूना को अच्छा नहीं लगता है। तब आरा आकर उसे कहती है तुम सियोंग को लाइक करती हो ना? आई थिंक ये ह्यूनहो भी जानती है, पर फिर भी वह सियोंग के साथ चिपकते रहती है। एटलीस्ट सियोंग के साथ अभी मेडिकल रूम तुम्हें जाना चाहिए था, पर वो तो तुम्हारे बारे बिल्कुल नहीं सोचती। और यहाँ हम साफ देखते हैं कि आरा ह्यूना को ह्यूनहो के खिलाफ कर रही थी। इधर ह्यूनहो सियोंग से कहती है ह्यूनहो को जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा तभी उसने ऐसा किया, अदरवाइज वो कभी ऐसा नहीं करता है। सियोंग उससे कहता है तुम्हें क्लेरिफिकेशन करने का कोई जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट इन, वैसे तो आज दोनों का 200 डेज एनिवर्सरी रहता है, पर इतने सारे गलत फहमियों की वजह से उनका हैप्पी एनिवर्सरी सैड एनिवर्सरी में बदल जाता है। यूनो कहता है, मुझे ये बात इरिटेट करता है कि तुम विदाउट उसके सरनेम उसे उसके नाम से बुलाती हो। तो वह कहती है, मैं क्या करूँ, उसे उसके नाम से बुलाना छोड़ दूँ या उससे बातें करना बंद कर दूँ? तो वह कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, वह मुझसे बेटर है। मैं तो एक लूज़र हूँ और एक लूज़र तुम्हारी लाइफ में रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। इसके बाद योंडो काफ़ी रोती है। तब सियोंग उसके पास आता है जहाँ वो बताती है कि यूनहो ने उसे ब्रेकअप कर लिया है। तब वो उसे कंफर्ट फील कराता है और वहीं हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो हैंड ग्लव्स आरा ने जानबूझकर सियोंग को दिया था ताकि यूनहो ये देखे, और जैसा उसने प्लान किया था ठीक वैसा हुआ भी। नेक्स्ट सीन वो घर में होती है, तब आहून उसे कॉल करके अपने रूम बुलाता है। जब वो जाती है तो वहाँ सियोंग को देखकर शॉक्ड होती है। आहून बताता है कि मैं अपना आई कार्ड इसे वापस लेने के चक्कर में अपना उंगली डैमेज कर लिया हूँ, तो ये उसी का भरपाई करने के लिए मेरे यहाँ खाना बना दे रहा है। जब तीनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो योंडू और सियोंग दोनों उसे उसके फेक आई कार्ड का मिसयूज करने मना करते हैं। तो वह कहता है, तुम लोग एकदम मैरिड कपल जैसा बिहेव कर रहे हो, योनो को पता चलेगा तो वह काफ़ी जेलस होगा। योंडू का चेहरा उदास हो जाता है। फिर आहून सियोंग से कहता है, तुम्हारे वजह से मेरा हाथ डैमेज हुआ है तो मुझे खिला दो, और योंडू को यहाँ यूनो का याद आ जाता है और अब उसके चेहरे में स्माइल होता है। सियोंग कहता है, क्या तुम नहीं चाहती कि फिर से तुम दोनों साथ हो जाओ? तो वह कहती है, मेरे चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। सियोंग कहता है, जब तुम लोग साथ होगे तो मुझे बताना, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। योंडू को समझ नहीं आता है कि उसका क्या मतलब है। फिर सब अपने अपने घर जाते हैं। इसके बाद स्कूल में यूनहो योंडू को इग्नोर करने लगता है, वह जहाँ होती है वहाँ वह जाता भी नहीं है। इधर यूना भी अपसेट ही रहती है, हालांकि योंडू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी पर अब वह सियोंग को भी लाइक करने लगी थी, लेकिन फिर भी वह न्यूट्रल थी, न योंडू को कुछ कहती थी न सियोंग को। पर जब सियोंग हर बहाने से योंडू के क्लोज होता है तो अब यूना का पेशेंस भी खत्म हो जाता है और वो योंडू से कहती है, तुम्हें पता है ना मैं सियोंग को लाइक करती हूँ, मैंने तुम्हारा हर सिचुएशन में हेल्प करा है, और जब तुम्हें मेरा हेल्प करना चाहिए तो तुम्हारा उसी के साथ उठना बैठना हो रहा है जिसे मैं पसंद करती हूँ। आखिर हमेशा तुम ही मेन कैरेक्टर क्यों होती हो, मैं क्यों नहीं होती? इधर यूनहो सियोंग से कहता है, तुम योंडू को लाइक करते हो राइट, क्या तुम्हें नहीं लगता ये चीटिंग है, क्योंकि तुम वही हो जो हमेशा प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को फॉलो करते हो, फिर तुम एक लड़की से कैसे फ्लर्ट कर सकते हो जबकि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए प्रिटेंड करना बंद करो कि मैंने तुम्हें मार के सही किया है। तो सियोंग कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए मारने दिया क्योंकि मुझे पता था ये गलत है, पर अब जब तुम लोग का ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे भी अपना फीलिंग्स को हाइड करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ योंडू का अब सबसे रिलेशन खराब हो चुका था, पहले यूनहो के साथ फिर यूना के साथ, इसलिए अब वो अपने स्टडी पर भी प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रही थी। एक दिन टीचर उसे पूछती है, क्या ये सब यूनहो के कारण हो रहा है, क्या वो तुम्हें डाइवर्ट कर रहा है? ये सब सुनकर वो भी टीचर से चिढ़ने लगती है और कहती है, आप हमेशा उसी को दोष क्यों देती है? योंडू अब अपने आप को काफ़ी अकेला फील करती है, वो लाइब्रेरी के उसी जगह पर जाती है जहाँ वो हमेशा अकेला महसूस करती थी तब जाया करती थी, और अभी वो वहाँ जाकर खूब रोती है। तब वहाँ सियोंग भी आ जाता है। सियोंग उसे पूछता है, तुम्हारे और यूनहो के ब्रेकअप का रीज़न मैं हूँ ना, अगर रीज़न मैं हूँ तो प्लीज़ मुझे अवॉइड मत करना वरना मुझे अपने आप पर गिल्ट फील होगा। नेक्स्ट सीन आरा जिसोंग के पास जाती है, उसे देख सियोल जूहो से कहती है, मुझे इस पर डाउट होता है, ये हम लोगों का क्लासरूम तभी आती है जब यूनहो होता है, ऐसा लगता है जैसे जिसोंग तो बस एक बहाना है। जूहो कहता है, बहुत ज़्यादा सोचती हो, चलो घर चलते हैं। वहीं इधर आरा इनडायरेक्टली योंडू के बिहेवियर पर बात करती है ताकि यूनहो को उससे और ज़्यादा चिढ़ हो। नेक्स्ट सीन आरा यूना से मिलती है, आरा उसे इस तरह पाठ पढ़ा दी थी कि यूना उसे सच्चा दोस्त समझने लगी थी, और यहाँ भी आरा यूना का कान भरने में लगी हुई थी। आरा उसके दिमाग में बैठा देती है कि योंडू नहीं चाहती तुम और सियोंग साथ हो। आरा कहती है, सियोंग के साथ तुम्हारा सेटिंग कराने में मैं हेल्प करूंगी। यूना काफ़ी खुश होती है, और जब वो कैफे से बाहर निकलती है तो देखती है आरा और जिनसो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। इधर जूहो यूनहो से कहता है, अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो जाकर सॉरी कहो और पैचअप कर लो। तो यूनहो कहता है, मैं क्यों सॉरी बोलूं? जूहो कहता है, मत बोलो फिर। नेक्स्ट सीन आरा जिसोंग से कहती है, क्या तुमको कॉन्सर्ट पर जाना पसंद है तो चलोगे मेरे साथ?
जिसोंग तो वैसे भी उसका हर बात पे हाँ कहता है। फिर वह यूनहो को एक रिंग देते हुए कहती है, कोई जिनसू नाम के लड़के ने मुझे ये देने को कहा था। यूनहो कहता है, ये तो योंडू का रिंग है। पर सियोल यहाँ डायरेक्टली उसे कहती है, कैसे मान ले हम लोग कि तुम सच कह रही हो, ये तुम्हारा कोई नया नौटंकी भी तो हो सकता है। फिर जूहो उसे शांत कराकर ले जाता है। इधर बाहर से उनका कन्वर्सेशन यूना भी सुनती है और सोचती है, अच्छा तो ये जिनसू को नहीं जानती, मैं भी क्या इतनी अच्छी लड़की पर डाउट कर रही थी। वहीं एक लड़की कह रही थी, सियोल ने मेरे सारे फोटो कार्ड्स क्यों फेंक दिए, अब मैं कॉन्सर्ट पर जाने के लिए नया कहाँ से खरीदूँ। और ये सब आरा सुन लेती है। उसके फेस से पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ प्लान तो बन ही गया है। अगले सीन उस रिंग को देखते हुए यूनहो सोचता है, क्या सच में ये रिंग योंडू का है, क्या हमारा रिलेशनशिप ये सब बस एक झूठ था। और वहाँ आरा आती है और कहती है, मैंने गिफ्ट खरीदने में एक बार तुम्हारा हेल्प किया था, इस बार जिशोंग को गिफ्ट देने में तुम मेरा हेल्प करो। यूनहो कहता है, क्या तुम मुझे सियोंग समझ के रखी हो, कोई मेरा एहसान करता भी है तो मैं एहसान रिटर्न नहीं करता। और वो चला जाता है। आरा सोचती है, ये प्लान तो काम ही नहीं किया। और तभी वहाँ वही लड़कियों के साथ सियोल का झगड़ा हो रहा होता है। वो लड़की कहती है, मेरे फोटो कार्ड्स तुम्हारे बैग में कैसे मिले, तुमने तो कहा था तुमने नहीं लिए हैं। सियोल कहते रह जाती है कि उसने उसके कार्ड्स नहीं चुराए थे, वो तो उसे तो कॉन्सर्ट वगैरह पसंद भी नहीं है। और वहीं आरा ये तमाशा देख रही होती है और वह खुश होते हुए अपने मोबाइल का वॉलपेपर देखकर कहती है, इस प्लान में मजा आया। नेक्स्ट सीन हमें फ्लैशबैक में सेमेस्टर का पहला दिन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है आरा जिनसू की एक्स गर्लफ्रेंड है। और वो जिनसू से कहती है, मैं और योंडू सेम क्लास में है, तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारा बदला इनसे ले सकूं तो तुम फिर से मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जिनसू कहता है, मैंने वो ऐसे ही कहा था, मुझे अब उनसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम अपना रहो, मुझे अपना रहने दो और उन्हें अपना रहने दो। और इस तरह जिनसू के रूड बातों से आरा रोते हुए जाती है। और ये वही टाइम था जब वो यूनहो से टकराई थी। सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ आरा योंडू के सीट पर जाकर कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ वही करूँगी जैसा तुमने मेरे साथ किया है। वहीं इत्तेफाक से सियोल पहले से ही क्लास में प्रेजेंट रहती है। वह कहती है, मुझे तो स्टार्टिंग से ही तुम्हारे ऊपर डाउट था, तुम जिनसू से मिली हुई हो, राइट? आरा कहती है, ये तुम कैसा इल्जाम लगा रही हो। सियोल कहती है, तुम्हारा मोबाइल का वॉलपेपर दिखाओ, मैंने तुम्हारा और जिनसू का फोटो देखा है। लेकिन आरा उसका बात नहीं सुनती है, दोनों में बहस होने लगता है और इसी छीना छपटी में आरा गिर जाती है। तब तक सबको याद जाता है। जिसोंग बिना मैटर जाने ही आरा का साइड लेता है। वहीं जूहो सियोल से पूछता है क्या मैटर है। सियोल बताती है, इसका रिलेशन जिनसू के साथ है, मैं 100% श्योर हूँ, तुम लोग चाहो तो इसका मोबाइल देख सकते हो। पर जब वो स्क्रीन ऑन करती है तो उसमें जिनसू और आरा का फोटो नहीं था और इसलिए सियोल आरा को गलत प्रूफ करने में फेल हो जाती है। वहीं सबके जाने पर यूना को एक हार्ट शेप स्टिकर मिलता है। वो सोचती है इसे कहीं देखा देखा लग रहा है, इसलिए वो उसे रख लेती है। नेक्स्ट सीन स्कूल आते वक्त यूनहो योंडू से भेटाता है। वह कहती है, तो आजकल तुम लंच बॉक्स लेकर आते हो, इसलिए तुम कैंटीन में दिखते नहीं हो। इधर यूनहो अपना लंच बॉक्स उसे देने वाला होता है, पर वो जब देखता है कि वो सियोंग को देख रही होती है तो वो वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि मेरा केयर करने का जरूरत नहीं है। फिर सोचता है, कितना गधा हूं मैं, उतना सुबह उठकर उसके लिए लंच तैयार किया और दिया भी नहीं। इधर योंडू भी उसके बातों से हर्ट होती है। तभी वो आहून को मैदान साफ करते हुए देखती है। वह उसे कंपनी देती है, जहां उन्हें एक डायरी मिलता है जिसमें एक फोटो कार्ड था। अगले दिन योंडू वो डायरी और वो फोटो कार्ड उस लड़की को देते हुए कहती है, ये तुम्हारा है ना? तो वह कहती है, ये डायरी मेरा है बट ये फोटो कार्ड नहीं, मेरा वाला तो सियोल ने चुराया था, हमें उसके बैग से मिला। तब योंडू बताती है, लेकिन सियोल को तो कॉन्सर्ट वगैरह में जाना पसंद ही नहीं है, इवन उसे पता भी नहीं है कि फोटो कार्ड क्या होता है। और यहाँ योंडू उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर देती है। इधर जूहो के दिमाग में आता है कि कॉन्सर्ट पर जाने का बात तो आरा भी कर रही थी। दूसरी तरफ योंडू सियोंग से कहती है, आज क्लास ओवर होने के बाद हमें लाइब्रेरी साफ करना है, तुम स्टोर रूम साफ करना, बाकी मैं कर दूंगी क्योंकि मुझे अंधेरा से डर लगता है। सियोंग हाँ कहता है। वही सियोल उन लड़कियों से फाइट करने के बाद इधर अकेले रहती है, जहाँ जूहो जाकर उसे कंफर्ट फील कराता है। सियोल कहती है, अब से कुछ भी होगा तुम हमेशा मेरे साइड रहना। तो वो कहता है, मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साइड रहता हूँ। इधर योंडू लाइब्रेरी में होती है, तभी सियोंग उसे मैसेज करता है कि मेरा अभी ट्रेनिंग क्लास है, मैं स्टोर बाद में साफ कर लूंगा। और फिर यहाँ योंडू यूनहो को मिस करती है। वहीं यूनहो उसके क्लास के बाहर सोच रहा होता है, सुबह उससे इतना रूड तरीके से बात नहीं करना चाहिए था,
क्या ये टिफिन उसको दे दूं या खुद खा जाऊं। और तभी योना क्लास से निकलती है। वो पूछता है योंडू कहाँ है, तो वह कहती है पता नहीं। फिर वो पूछता है सियोंग कहाँ है, तो वो कहती है अपने ट्रेनिंग क्लास में। योनो कहता है तुम दोनों में लड़ाई हुआ है क्या, सियोंग के बारे पता है पर योंडू के बारे नहीं। और तभी लाइट चला जाता है। योना कहती है आज तो फ्राइडे है तो जरूर वह लाइब्रेरी में होगी। ये सुनते ही योनो भागते हुए लाइब्रेरी जाता है। वहीं लाइट जाता देख सियोंग भी भागते हुए लाइब्रेरी जाता है, जहाँ योंडू डरी समय बैठी होती है। वह उसे कंफर्ट फील कराता है और तभी वहाँ योनो भी पहुँचता है। सियोंग को देखकर वो अपना टिफिन रखकर चला जाता है, पर आरा यहाँ उसका टिफिन गायब कर देती है। अगले दिन योंडू घर में होती है, तब आहून उसके यहाँ आकर कहता है मेरी मम्मी ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया क्योंकि सियोंग ने उस फेक आईडी कार्ड के बारे में मेरी मम्मी को सब बता दिया। योंडू सियोंग को मैसेज करती है कि तुम्हारे वजह से बेचारा आहून को घर से निकाल दिया गया है। वहीं इधर योनो जूहो से कहता है याद है लास्ट ईयर फेस्टिवल के दिन योंडू अंधेरे कमरे में लॉक हो गई थी, तब हम दोनों साथ भागे थे, लेकिन मैं तुमसे पहले पहुंचा और उस दिन मैंने उसे प्रपोज भी किया। तुम्हें नहीं लगता अगर तुम मुझसे कुछ सेकंड पहले पहुंचते तो तुम उसे कंफर्ट फील कराते और तुम उसे प्रपोज करते तो आज सिचुएशन कुछ और होता। जूहो कहता है हाँ सिचुएशन कुछ और तो होता, पर मैं सोचता था अगर तुम्हारे हाथ में चोट ना लगकर मेरे हाथ में चोट लगता तो शायद मैं उसका दिल जीत पाता। फिर योनो पूछता है लेट होने के लिए मैं कब तक अपने आप को ब्लेम करता रहूंगा, तो वह कहता है हमेशा हमेशा तुम्हें इसका पछतावा होगा, पर तुम उसे भूल जाओगे जब तुम्हें उससे भी बेटर कोई मिल जाएगी। वहीं इधर आहून योंडू के यहाँ दबाकर खाना खाता है। तभी सियोंग उसे कॉल करता है तो वह कहता है तुम्हारे वजह से मुझे अभी योंडू के यहाँ रहना पड़ रहा है, कितना भूखा हूँ मैं। योंडू कहती है क्यों झूठ बोल रहे उससे, तो वह कहता है नहीं तो उसे सॉरी फील कैसे होगा। कुछ देर बाद सियोंग भी उनके पास आता है और उसके लिए खाना बना देता है। आहून जिद करता है कि तुम्हें भी खाना होगा, योंडू भी कहती है तो वह मान जाता है। इसी बीच सियोंग का कॉल आता है तो आहून रिसीव करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे क्लब मेंबर का कॉल था, क्लब मीटिंग में तुम्हें बिना लेट किए पहुंचना है। फिर वो योंडू को बताता है कि तुम्हें पता है क्लब मीटिंग क्या है, ब्लाइंड डेट से कम नहीं है, स्कूल की ढेर सारी लड़कियां वहां होती है। तब सियोंग एक्सप्लेन करता है कि नहीं तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है, पर अगर तुम जाने नहीं कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। योंडू कहती है ऑफ कोर्स तुम जाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी तुम कभी रूल्स ब्रेक नहीं करते। दूसरी तरफ योनो योंडू का इंस्टा में अपलोड फोटो देख देख कर खुश हो रहा होता है। जूहो कहता है तुम स्माइल करते हो जब उसके बारे बातें करते हो, तो जाकर उसको ये क्यों नहीं बोलते कि अब भी तुम उससे प्यार करते हो। और तभी योनो एक पोस्ट देखता है जिसमें योंडू आहून और सियोंग था, और फिर से उसका पारा गर्म हो जाता है। वो सीधे जिनसू के पास जाता है और उसे कहता है मारो मुझे। जिनसू काफी सॉफ्ट रहता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मारने से क्या योंडू को बुरा लगेगा या वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। योनो उसे कहता है अपना मुंह से योंडू का नाम नहीं लेना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जिनसू को आरा कॉल करके कहती है योंडू और योनो ने ब्रेकअप कर लिया है, मैंने तुम्हारे लिए उनसे रिवेंज ले लिया है, अब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे ना। तो जिनसू कहता है अपना टाइम वेस्ट मत करो, वे दोनों फिर से साथ हो जाएंगे, इसलिए तुम शांति से रहो और उन्हें भी शांति से रहने दो, मुझे अब उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इधर आरा सोचती है नहीं वे दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, और वो योंडू और सियोंग का एक फोटो योनो को सेंड करती है। नेक्स्ट सीन आरा योनो को एक झूठा स्टोरी सुनाती है कि कल मैं योंडू को खोजते खोजते लाइब्रेरी गई थी तो मैंने सुना सियोंग उसे प्रपोज कर रहा था और योंडू प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर ली है, बट दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन योनो को ये बिलीव नहीं होता है। तब आरा उससे कहती है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम खुद ही देख लो, और जब योनो सच में दोनों को साथ देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि वे दोनों अब साथ हैं। जब वो जाने लगता है तो आरा उसका टिफिन देते हुए कहती है इसमें तुम्हारा नाम लिखा है, लाइब्रेरी के बाहर मुझे फेंका हुआ मिला था। वहीं इधर सियोंग योंडू से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है तुम्हारे आंसर का। योंडू बस सॉक्ट रहती है। तभी वहाँ आहून आता है, एक्चुअली वे यहाँ तीनों ही साथ आए थे पर उस वक्त टाइमिंग आरा का था इसलिए वो गेम खेल गई, और योनो को भी यकीन हो गया कि दोनों सच में डेट कर रहे हैं। वहीं इधर आरा योनो से कहती है वो तो सियोंग के साथ सेट हो गई है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी उसे सबक सिखाना चाहिए, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, मैं इन सब में एक्सपर्ट हूँ। योनो कहता है मुझे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है। अगले सीन ये बात योनो को परेशान किए जाता है कि योंडू और सियोंग अब कपल हैं। तभी जीशोंग योनो से कहता है आरा कल से फोन नहीं रिसीव कर रही है,
तब ह्यूनो कहता है, वैसे तो उसने बताने से मना किया था, पर वो तुम्हें प्रपोज करने वाली है तो थोड़ा पेशेंस रखो। जिसोंग भी खुश होता है। वहीं इधर शियुंग योंडो को ब्रेड देते हुए कहता है, आज जल्दी लाइब्रेरी चलेंगे ठीक ना। पर ये सब सुनकर यूना को अच्छा नहीं लगता है, वो उदास रहती है। तब सिचेन उसे मैसेज करता है कि तुम फिर से आज अपना लंच मिस कर रही हो ना। तो वो सोचती है, अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। और तभी सिचेन उसके सामने आ जाता है। वह कहती है, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम मुझे मना लोगे? मैं उस इंसान के प्यार में नहीं पड़ सकती जो दूसरों को बुली करता हो। हाँ, अगर तुम जितने को भी परेशान किए हो उनसे माफी मांगो तो मैं कुछ सोच सकती हूँ। सिचेन कहता है, ठीक है जैसा तुम बोलोगी वैसा ही करूँगा, एटलीस्ट मेरे मैसेज का रिप्लाई देना। तभी वो आरा को योंडू के साथ देखता है और यूना से कहता है, ये तो जिनसू की एक्स गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर यूना काफी शॉक्ड रह जाती है। पहले तो उसे सिचेन पर भरोसा नहीं होता है, फिर जब वो उस फोटो को देखती है और उस लॉकेट को जो उस दिन सियोल से लड़ाई करते वक्त आरा की जेब से गिरा था, तब वो आरा का सारा गेम समझ जाती है। इधर ह्यून हो आरा से मिलता है और कहता है, तुम जिसोंग का कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? तो वो कहती है, मुझे नहीं लगता मैं उससे प्यार करती हूँ। तो ह्यूनो कहता है, पर तुम्ही ने तो उससे कहा था कि तुम उसको प्यार करती हो। आरा कहती है, हाँ लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो कहता है, क्या बकवास है। तो वो कहती है, मैं और तुम सेम कंडीशन में है, किसी और लड़की के कारण मेरा भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और तुम्हारा भी किसी दूसरे लड़के के कारण अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, तो अकेले रहने से बेटर है हम दोनों साथ हो जाएं। ह्यूनो कहता है, ज्यादा गलत फहमी में मत रहो, मैं अकेला नहीं हूँ, बस मैं योंडू को मिस करता हूँ। और हाँ, जिसोंग को अगर पसंद नहीं करती तो उससे सब क्लियर कर लो, इस तरह उसे उम्मीद में मत रखो। वहीं दूसरी तरफ यूना ये बात योंडू और सियोल से शेयर करती है। सियोल कहती है, मुझे पता था उस लड़की पर तो मुझे स्टार्टिंग से डाउट था, पर तुम लोग मेरा बात सुनते ही कहाँ थे। वह जानती थी कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, फिर भी वह यूनो के आसपास रहकर उसका अटेंशन लेती रही, फिर तुम दोनों का ब्रेकअप भी करवा दिया। और तो और तुम दोनों को ये भी नहीं पता है कि तुम दोनों के ब्रेकअप का रीजन क्या है। अब आरा उन्हें ये सब बात करते हुए सुन लेती है। वो सीधे यूनो के पास जाती है और उसे कहती है, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिर वो बताती है कि मिडिल स्कूल में मैं और जिनसू पहले रिलेशनशिप में थे और ये जानते हुए भी योंडू से मैसेज और कॉल करती थी, और फाइनली जिनसू ने उसके लिए मुझे छोड़ दिया। यूनो कहता है, उस दिन तो तुम कह रही थी कि तुम जिनसू को नहीं जानती और आज कह रही हो कि तुम लोग रिलेशनशिप में थे, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। तब आरा कहती है, तुम्हें नहीं पता वो कितनी बड़ी प्ले गर्ल है, उसने जानबूझकर अपने प्रोफाइल पिक पर तुम्हारा फोटो लगाया था ताकि तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो सको। उसने जो मेरे साथ किया वो यूना के साथ भी किया। वो जानती थी कि यूना सियोंग को लाइक करती है, पर फिर भी वो सियोंग को डेट करने लगी और तुमसे ब्रेकअप भी कर लिया। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर वो जानबूझकर तुम्हारा फोटो अपलोड नहीं करती तो क्या तुम उसके साथ इन्वॉल्व होते? तुम्हें स्टार्टिंग से बेवकूफ बनाया जा रहा है। और तभी सब वहाँ पहुँच जाते हैं। योंडू कहती है, अश्वे मैंने तुम्हारा फोटो जानबूझकर नहीं लगाया था। फिर ह्यून हो योंडू से पूछता है, क्या तुम जिनसू को डेट करती थी? तो वह कहती है, मैंने कभी उसको डेट नहीं किया। आरा कहती है, झूठ मत बोलो। तो ह्यून हो कहता है, योंडू कभी झूठ नहीं बोलती, और अगर वो कह रही है कि उसने कभी डेट नहीं किया है मतलब नहीं किया है, मुझे उस पर भरोसा है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। आरा जब देखती है कि उसका प्लान फेल हो रहा है तो अब वो योंडू के नज़र में ह्यून हो को गिराने लगती है। वह कहती है, तुम सब भूल गए, जब इसने तुम्हें छोड़ा था तो तुम्हारे हार्ड टाइम में मैं तुम्हारे साथ थे, तुम्हें घर तक मैं छोड़ा करती थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर जिसोंग को काफी धक्का लगता है। और तभी वहाँ सियोंग के साथ जिनसू पहुँचता है। वो आरा से कहता है, मुझे तो लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो, और कितना झूठ बोलोगी। फिर वो यहाँ क्लियर करता है कि उसने कभी योंडू को डेट नहीं किया है। यूनो पूछता है, फिर तुमने आरा से ब्रेकअप क्यों किया? तो जिनसू कहता है, क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करता। फिर वो कहता है, तो आई होप मैंने सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दिया होगा। आरा उसे कहती है, क्यों, मैंने तो ये सब तुम्हारे रिवेंज के लिए किया। तो वह कहता है, नहीं, ये सब तुमने अपने रिवेंज के लिए किया है। सियोल उसे कहती है, तुम्हें सबसे सॉरी कहना चाहिए, तुम देख ही सकती हो अब तुम्हारे साइड कोई नहीं है। इन सब में सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को होता है तो वो था जिसोंग, बेचारा अपना ब्रोकन हार्ट लिए घूम फिरता है। इधर यूना योंडू से माफी मांगती है और कहती है, तुम्हें सियोंग को थैंक यू कहना चाहिए, उसी ने आज जिनसू को यहाँ लाया था। जब योंडू सियोंग को आज के लिए थैंक यू कहती है तो उसी टाइम ह्यूनो उन्हें बातें करते हुए देख लेता है। फिर जब वो क्लास से निकलती है तो ह्यूनो उसे सॉरी कहता है।
और कहता है, आई थिंक हमें एक दूसरे को अवॉइड नहीं करना चाहिए, हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। योंडू भी उससे एग्री करती है। फिर योनहो कहता है, तुम्हारे न्यू लव के लिए ऑल द बेस्ट। योंडू उसके बातों से काफ़ी कन्फ्यूज रहती है। इसके बाद योनहो उससे एकदम फ्रेंडली बातें करता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन योंडू उससे कहती है, आजकल तुम साथ में लंच क्यों नहीं करते? तो वह कहता है, नहीं, मेरे साथ तुम्हारा रहना टीचर को पसंद नहीं है, और वैसे भी वो तुम्हें अलाव नहीं करेगा। योंडू कन्फ्यूज रहती है, वो कौन? इसके बाद योनहो सियोंग से मिलता है और कहता है, वैसे तो मैं ये कहने वाला कोई नहीं होता, पर ख्याल रखना तुम योंडू का, ख्याल रखना कि वो प्रॉपर खाना खाती है या नहीं, क्योंकि नहीं खाने पर वो बेहोश भी हो जाती है। और अगर उसके लिए तुम्हें रूल्स ब्रेक करना पड़े तो ज़रूर करना, ताकि मुझे कभी पछतावा ना हो कि वो तुम्हें छोड़ मतलब मुझे छोड़ तुम्हारे साथ है। अगले दिन सियोंग योंडू को प्रपोज करता है। वो अपना फीलिंग्स उसे बताता है और कहता है, अगर तुम वैसा फील नहीं करती जैसा मैं तुम्हारे लिए करता हूँ तो बेशक तुम जा सकती हो। तब योंडू कहती है, मैं अभी भी योनहो को ही पसंद करती हूँ, पर वो ऐसे ट्रीट करता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। तो सियोंग कहता है, मुझे पता है वो क्या फील करता है, वो भी तुमसे अभी भी प्यार करता है, उससे तुम्हारा परवाह है कि तुम प्रॉपर खाना खाती हो या नहीं, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो उसे तुम्हारा परवाह भी नहीं होता। इधर योनहो जूहो और सियोल से कहता है, क्या तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग एक दूसरे को लाइक करते हो पर एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे? मुझे तो कितना बुरा फील हो रहा है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे डेट नहीं कर सकता। तभी वो योंडू को देखता है और उसी वक्त सियोंग उसे मैसेज करता है कि मैंने अभी उसे प्रपोज किया था, पर उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, और हाँ, हम लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। और इधर योंडू आकर उससे कहती है, डोंट वरी, मैं अपना खाना स्किप नहीं करती हूँ। फिर वो योंडू से सॉरी कहता है, योंडू भी उसे सॉरी कहती है, और अब उन दोनों के बीच सारे गलतफहमियां दूर हो गए थे और अब दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। इधर शियोल जूहो से कहती है, आखिर इसका क्या सेंस बनता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो फिर तुम रिलेशनशिप में आना क्यों नहीं चाहते? तुम्हें नहीं लगता कि बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा? तो जूहो कहता है, अगर हम लोग रिलेशनशिप में आएंगे तो बाद में और ज़्यादा पछतावा होगा। शियोल कहती है, क्या ही कहूँ मैं, और शब्द नहीं है मेरे पास, मैं गिव अप ही कर देती हूँ। तो जूहो कहता है, मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला हूँ, बस यही रीज़न है कि मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। अगले दिन म्यूजिक रूम में सब लंच कर रहे होते हैं, तब वहाँ सियोंग भी आता है और उनके साथ लंच करने लगता है। सब काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि वो कभी रूल्स ब्रेक नहीं करता, पर योनहो कहता है, हाँ, अब ये इंसान जैसा लग रहा है। वहीं सियोल अपना मफलर जूहो को देते हुए कहती है, तुम अब्रॉड से वापस आने के बाद मुझे ये देना, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूँगी। जूहो भी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ आरा अब अकेली हो जाती है। हालांकि अपना ब्रोकन हार्ट लिए जिसोंग अब भी उसे कंफर्ट फील कराता है। फिर वो इधर सबके पास आता है। जूहो पूछता है, कहाँ थे इतना देर? तो वह स्माइल करते हुए कहता है, अपनी वांग इंगलिंग के पास। सब हंसते हैं। और फिर इधर योनहो योंडू से कहता है, आई थिंक मुझे फिर से पूछना चाहिए, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और फिर योंडू हंसती है। और इसी के साथ ये स्कूल लाइफ लव ट्राइंगल ड्रामा का द एंड होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।